भाईजान नाम से जाना जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, जब भी किसी सुपरस्टार की कोई मूवी आती है तो उस मूवी के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी होती है जो उसके फ़ैन के लिए बहुत अहमियत की हमल होती है। अभी जो मूवी रिलीज़ होने वाली है भाईजान, इसका पहले नाम कभी ईद कभी दिवाली रखा गया था। ये कहानी तीन भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें आयुष्मान खुराना, जहीरुद्दीन और सलमान खान होते हैं। इस फिल्म की जो इशू है वो ये है कि उन दो भाइयों की शादी नहीं हो रही है, उसकी जो वजह है वो भाईजान बना हुआ है। इस फिल्म को डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद खान है। साजिद खान ने किक सीरीज़, बागी सीरीज़ और बहुत सारी कामयाब फिल्में करने का सहर अपने सर पे ले लिया है। जब भाईजान में सलमान खान कह रहा है, ये बड़ी मेरी यूनिक फिल्म है। इस फिल्म की बड़ी सालों से प्लानिंग चल रही थी, इसके बार बार नाम तब्दील किए जा रहे थे, कास्टिंग में चेंजिंग की जा रही थी। इस फिल्म का एक्शन और फिल्म में जो सलमान खान ने अपनी अपीयरेंस दी है वो बजरंग भाईजान से भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। इसमें अपने एक्टिंग के सारे जौहर दिखाए हैं सलमान खान ने। इसमें कॉमेडी है, इमोशनल है और इसमें एक्शन पर ख़ास तवज्जो दी गई है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग से सलमान खान जम देता है। इसके अलावा इस फिल्म में जो है आपको कॉमेडी के अलावा एक बहुत बड़ा सबक मिलेगा जिसमें मज़हबी रस्मों से हट के हिंदू और मुस्लिम जो इंडियन हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो सारे रिलेशनशिप इस फिल्म में दिखाए जाएंगे जिससे हम आएंगी और भाईचारा पैदा होगा। और सलमान खान ने कभी भी कोशिश की है कोई भी पिक्चर कंट्रोवर्शियल नहीं बनाया। उसने हिंदू मुस्लिम को छोड़ के इंसानियत के लिए दर्श दिया है, इंसानियत की बात की है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी होने वाली है और इसमें ये भी तय किया गया है कि इसकी इसको पहले तो ये कहा गया था कि रिलीज़ होगी इस दिवाली पे, मगर मेरे ख्याल में अब ये डेट जो है वो ईद तक चली जाएगी कि ईद में ये फिल्म रिलीज़ हो और बॉक्स ऑफिस पे बहुत बड़ा बिजनेस करें। मगर क्योंकि ईद से पहले जो तमिल फिल्में हैं और दूसरी साउथ इंडियन मूवी है वो बहुत बड़ी रिलीज़ होने वाली है, इस वजह से हो सकता है कि इस फिल्म की डेट को आगे ले जाए। बहरहाल कुछ भी हो, सलमान खान एक और हिट फिल्म देने के लिए तैयार है और इस फिल्म पे उन्होंने ख़ास मेहनत की है। बहरहाल फिल्म के प्रमोशन को लेकर बहुत एक्साइटेड है। फिल्म की कास्ट के साथ वो बम्बई और दूसरे शहरों में शो करने जा रहे हैं।